हाय, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये काफी फेमस प्लांट है। हर नर्सरी में आपको मिलेगा और काफी घरों में भी ये आपको मिलेगा, और ये है अजवाइन का पौधा। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सच में अजवाइन है? क्या हम इसको सच में खा सकते हैं? और अगर खा भी सकते हैं तो क्या ये सच में एक मेडिसिनल प्लांट है? और अगर ये आपके घर पे है तो इसको घना कैसे बनाए? मेरा ये पौधा 3 महीने पहले ऐसा था, और 3 महीने के अंदर अंदर मैंने इसको इतना घना बनाया है। कैसे बनाया है, कौन सा फर्टिलाइजर डाला है, और मैं इस प्लांट में एक स्पेशल टॉनिक देती हूँ जो बाकी सारे पौधों में नहीं देती हूँ, लेकिन इसमें जरूर देती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। ये बीज जो आप देख रहे हो ना, जो हमारे मसालों में यूज होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरम सीड्स, हिंदी में कहते हैं अजवाइन। ये बिल्कुल अलग है। इसको अगर आप मिट्टी में डालोगे ना, तो जो पौधे निकल के आएंगे वो धनिया से भी पतली पतली पत्तियां निकल के आएंगी, तो ये अलग है। लेकिन आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं उसको भी अजवाइन कहते हैं, लेकिन उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, काफी सॉफ्ट होती हैं, और थोड़ी सी मखमली सी वेलवेट जैसी होती है। छोटे छोटे रेशे होते हैं, इसकी ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती है। तो ये जो पौधा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन बोरेज या मैक्सिकन मिंट। कैरम सीड्स अलग हैं और मैक्सिकन मिंट अलग है। अब बात ये उठती है कि हम इसको अजवाइन क्यों कहते हैं। हम इसको अजवाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्तों से अजवाइन की खुशबू आती है। अगर आप इसके पत्ते खाओगे या तोड़ोगे तब तो आएगी आएगी, इसके अलावा आप इसके ऊपर हाथ भी रख दोगे ना, तो उससे भी अजवाइन की खुशबू आती है, और इसलिए हम इसको अजवाइन कहते हैं। आप इसके 2 पत्ते खाली पेट खाओगे तो अगर आपको नी पेन है, घुटने में दर्द है या गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो खत्म हो जाएगी। मुझे गैस की या घुटने की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी पत्ती का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हूँ। लोग तो पकौड़े बनाते हैं, चाय में डालते हैं, सब्जी बनाते हैं। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो अजवाइन का तड़का जरूर लगाती हूँ। अभी ठंड में ना, जब टमाटर की चटनी बनती है, कच्चे टमाटर और धनिया के, उसमें 2-3 पत्ती अजवाइन की डाल दो और फिर आप देखो क्या फ्लेवर आता है। तो जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ ना, तो इसकी पत्तियां जरूर डालती हूँ। जितना इस्तेमाल मैं करी पत्ता का करती हूँ ना अपने किचन में, उतना ही इस्तेमाल मैं अजवाइन का भी करती हूँ, और ये प्लांट आपके घर पे होना ही चाहिए। तो मुझे ये प्लांट बहुत ही घना चाहिए था, और इस प्लांट को मैं कटिंग से भी लगाती हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक गर्मी वाला पौधा है, जहां पर बहुत ठंड पड़ती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ठंड पड़ती है, इसमें इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इस ठंड में जब पाला गिरता है, ओस गिरती है, तो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। जैसे शमी का पौधा हुआ, अपराजिता हुआ, तुलसी, करी पत्ता, ये सब मुरझा जाते हैं। लेकिन ये प्लांट इतना स्ट्रेस में नहीं आता है। इसकी पत्तियां थोड़ी सी पीली हो जाएंगी, थोड़ी सी काली हो जाएंगी, थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लेकिन ये ठीक रहता है, आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप इस प्लांट को अपने घर पे ला सकते हो। तो नर्सरी में भी अजवाइन के नाम से ही जाना जाता है। आप इंडियन बोरेज या मैक्सिकन मिंट बोलोगे तो वो नहीं समझेंगे, और 40-50 रुपए का आपको ये पौधा मिल जाए। मुझसे काफी लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सुदीप्ति, हमारी बैल्कनी में बहुत कम धूप आती है, 1-2 घंटे की ही धूप आती है, तो हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए? तो आपको अजवाइन का पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। अजवाइन को आप 1 घंटे की धूप दोगे तो भी चलेगा, 2 घंटे की दोगे तो भी चलेगा, 4 घंटे की दोगे तो भी चलेगा। बहुत ज्यादा धूप दोगे, बहुत तेज धूप दोगे, तो ये थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। अदरवाइज 1 घंटे से लेके 4 घंटे की धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मेरे जितने भी वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं ना, जैसे टमाटर है, गाजर है, मूली है, बैगन है, गोभी है, इन सबको मैंने ग्रो बैग में लगाया है, लेकिन अजवाइन को मैंने मिट्टी के गमले में लगाया है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अजवाइन को क्ले पॉट यानी कि मिट्टी के गमले में ही लगाओ, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जो पॉट का साइज है ना, आप जितना बड़ा रखोगे उतना अच्छा है, बट मेरे ख्याल से जब आप बैल्कनी या टेरेस में गार्डनिंग कर रहे हो ना, तो 10 से 12 इंच का पॉट काफी। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है, लोग बार बार इसको लेके आते हैं और ये बार बार सूख जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन जो मैंने देखा है वो ये है कि इसकी मिट्टी परफेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा प्लांट है ना जो बहुत स्पीड से बढ़ेगा, इसकी टेंडेंसी है बढ़ना, फैलना, लेकिन अगर मिट्टी अच्छी नहीं रखी गई है तो
तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ 10 दिन 20 दिन रहेगा और उसके बाद खराब हो जाएगा। तो इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके एरिया में जो मिट्टी है आप उसको लो, साफ कर लो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि रहते कहीं और है और लाल मिट्टी ऑर्डर करते हैं, उन्हें लगता है कि लाल मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। सारी मिट्टी में प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, आपके एरिया में जो मिट्टी मिलती है आप उसी को लो, वही एनवायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है। जितनी मिट्टी ली है उसका आधा हमें कंपोस्ट लेना है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो, मैं काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गाय के गोबर की खाद ले रही हूँ। कंपोस्ट डालने से ना मिट्टी में अगर कुछ न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है, और दूसरी चीज की मिट्टी काफी सॉफ्ट होती है। जितना कंपोस्ट डाला है उसका आधा हमें बालू लेनी है, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है वो लेनी है। इसको डालने से मिट्टी कभी भी पत्थर नहीं बनती है। जितनी आपने बालू ली है उतना ही आपको कोकोपीट लेना है। कोकोपीट हम इसलिए ऐड करते हैं जिससे मिट्टी कभी भी सख्त नहीं बनती है और ये पानी को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती है, मतलब लंबे टाइम तक आपकी मिट्टी जो है वो गीली रहेगी। अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पे रखा है जहां पर 1 से 2 घंटे की धूप आ रही है तो जितनी बालू ली है उसका आधा कोकोपीट लोगे आप। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे रखा है जहां पर धूप 2 घंटे से ज्यादा की है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की है, तो आपको कोकोपीट उतनी ही लेनी है जितनी आपने बालू ली है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ी सी नीम की खली भी ऐड कर सकते हैं। इन चीजों को अच्छे से मिलाना है और ये मिट्टी परफेक्ट है अजवाइन के पौधे के लिए। ये जो अजवाइन का पौधा है ना, इसका काफी बिहेवियर सकलेंट्स की तरह होता है। सकलेंट्स वो पौधे होते हैं जिनको पानी की जरूरत बहुत कम होती है, इनकी पत्तियों में ही काफी मॉइस्चर होता है। तो अगर आप अजवाइन की पत्ती तोड़ोगे तो उसमें देखोगे कि थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो इस प्लांट को पानी की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होती है। जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी दिखे, थोड़ी सी गुड़ाई करिए, अंदर की भी आपको लग रहा है कि काफी हद तक सूख चुकी है, तब आप इसको पानी दें। और पानी तब तक देना है जब तक पानी नीचे से निकल ना जाए। और ये एक ऐसा प्लांट है जो ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अंडर वाटरिंग बर्दाश्त कर लेगा। इसको पानी की जरूरत उतनी नहीं होती है जितनी टमाटर को या तुलसी जी को या बाकी पौधों को होती। तो पानी आप इसमें सोच समझ के दीजिएगा, जब मिट्टी सूखी लगे तभी दीजिए। मैंने कई लोगों क्या देखा है कि ये प्लास्टिक के पॉट में रखा है और मिट्टी ऊपर से ना बिल्कुल कीचड़ जैसी हो रही है या मिट्टी बिल्कुल जम रही है। तो अगर आप मिट्टी का गमला लोगे और जो मैंने बताया है मिट्टी का मिक्सचर वो डालोगे और जैसे मैंने बताया है पानी डालोगे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये प्लांट ना तो फ्लावरिंग करता है ना तो फ्रूटिंग करता है, इसको एज सच कोई हैवी फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप केमिकल तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डालोगे, ना DAP डालोगे, ना NPK डालोगे, ना एप्सम सॉल्ट डालोगे, ना यूरिया डालोगे, ये सब कुछ भी नहीं डालोगे। मैं अपने बाकी प्लांट्स में महीने में हर बार ना कुछ बदल बदल के फर्टिलाइजर देती रहती हूँ, लेकिन इस प्लांट में मैं 2 फर्टिलाइजर्स देती हूँ, 2 लिक्विड फर्टिलाइजर्स देती हूँ। वो कौन से हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे पास कुछ 2-3 बकेट्स हैं जिनमें मैं परमानेंट किचन का वेस्ट डालती हूँ और कंपोस्ट बनाती हूँ। तो जब भी ये कंपोस्ट बनता है ना, नीचे से लिक्विड निकलता है, इसे कहते हैं किचन कंपोस्ट टी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा टॉनिक है प्लांट्स के लिए। मैं इसको लेती हूँ, ये जितना है इसका 2 गुना साफ पानी मिलाती हूँ और हर महीने अजवाइन के पौधे में देती। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट टी नहीं है तो आप किचन कंपोस्ट बनाओ। कैसे बनाते हैं इसके लिए मेरे चैनल पे 2 वीडियोस हैं, Part 1 Part 2, वो आप जरूर देखना। अगर आप मेरे हिसाब से बनाओगे तो ना तो आपको स्मेल आएगी, ना ही कीड़े दिखेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में कंपोस्ट बन रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बनाना चाहते हो किचन वेस्ट, तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट टी बना सकते हो। आपको वर्मी कंपोस्ट ही लेना है, यहाँ पे लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट नहीं लेना है, वर्मी कंपोस्ट लेना है थोड़ा सा। इसको 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है।
24 घंटे बाद ऊपर का पानी लेंगे, उसमें साफ पानी 4 गुना मिलाएंगे। और ये आपको अपने अजवाइन के पौधे को देना है। ये तो मैं हर 30 दिन में अपने अजवाइन के पौधे को देती हूँ। इसके अलावा साल में 3 बार, फरवरी, अगस्त और नवंबर, साल में 3 बार मैं इसको देती हूँ मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर। ये उस समय देती हूँ जब बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। और ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर कैसे देना है, किस तरीके से देना है कि प्लांट के ऊपर साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। तो यही दोनों फर्टिलाइजर मैं देती हूँ और अजवाइन का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा मैं हफ्ते में 3 से 4 बार तो इसकी पत्तियां और डंडियां तोड़ती रहती हूँ। तो आप जितना ज्यादा इसकी कटिंग करते जाओगे ये प्लांट उतना ही घना होता जाएगा। लेकिन ये जो प्रूनिंग है ना, ये बहुत समझदारी से करना चाहिए। मेरे चैनल पे वीडियो है प्रूनिंग, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस पौधे को नर्सरी से लेके आओगे, आप अपने नेबर से किसी से भी कटिंग ले सकते हो। ये डंडी देख रहे हो आप इसकी, इसमें छोटी 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 रूट्स निकल रही, बस यहीं से कट करके इसको मिट्टी में लगा दूंगी। अगर आपको डंडी मिली है और उसमें रूट्स नहीं दिख रही है तो भी आप डंडी को ले लो, रूट्स अपने आप निकलने लगेंगे। तो ये जो इतनी लंबी ब्रांच है ना, मैं इसको भी कई पीसेस में कट करूंगी। तीन चार पीसेस में कट करने के बाद ये जितने भी पीसेस है ना, इन सब से मैं कटिंग लगा दूंगी और इतने सारे प्लांट्स निकल आएंगे। जो मिट्टी हमने तैयार की थी अजवाइन के पौधे के लिए, वही वाली मिट्टी मैं एक गमले में भर रही हूं। पहले ही हम पानी डाल देंगे। अगर हम पहले पानी डाल देते हैं ना, तो मिट्टी सेट हो जाती है, उसको नीचे जितना बैठना है, जितना दबना है, वो दब जाती है। और उसके बाद कटिंग लगाते हैं तो सही रहता है। आप कटिंग लगाने के बाद पानी डालोगे ना, तो फिर मिट्टी बैठेगी और फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस बनाई और मैंने इन कटिंग को अंदर गाड़ दिया। ये जो हमने कटिंग लगाई है ना, इसको हम धूप में नहीं रखेंगे, वरना ये प्लांट झुलस जाएगा। अभी इसमें जड़ें नहीं है, तो हम इसको किसी शेडेड एरिया में रखेंगे जहां पे इसको रोशनी मिले लेकिन इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। कुछ ही दिनों में इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने दिनों में इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है। वैसे तो इस प्लांट में कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, मेरे प्लांट पे तो कभी नहीं हुआ, ना एफिड्स का हुआ, ना मिलीबग का हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आ गया और उसने थोड़ी बहुत पत्ती खा ली, अदरवाइज इसमें कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं 2-3 महीने में एक बार नीम की पत्ती का स्प्रे कर देती हूँ सेफर साइड। वैसे इसमें कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है। और आपने देखा ये प्लांट कितना घना हो गया। 1 से 2 घंटे की धूप भी आती है ना आपके एरिया में, तो इस प्लांट को जरूर रखना, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्ट। बाय बाय।